हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अमृता मिश्रा। अमृता मिश्रा डॉट कॉम में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ चने की दाल की पकौड़ियाँ, क्योंकि मानसून सीजन आ रहा है तो ये चने की दाल की पकौड़ियाँ बहुत ही करारी और सोंधी लगती हैं। इसका टेस्ट एकदम डिफरेंट रहता है। तो चलिए हम अपनी सीखते हैं कि कैसे हम इसको बनाते हैं। रेसिपी बनाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। इसके लिए हमने लिया है 1 कप चने की दाल ली थी, उसको मैंने 5 घंटे के लिए साफ धुल के पानी में भिगा दिया था। उसके बाद ये छान के रख दिया है। तो ये देखिए, ये फूल के तैयार हो गई है। 5 घंटे में अच्छे से फूल के तैयार हो गई है। थोड़ी सी धनिया की पत्ती ली है, उसको बारीक काट लिया है। 1 इंच अदरक है, 1 हरी मिर्च है, उसको बारीक काट लिया है हमने। प्याज लिया था, उसको बारीक लेके काट लिया है। अजवाइन लिया है हमने, 1/3 टेबल स्पून लिया है। और हमें लगेगी हल्दी, 1/4 टेबल स्पून लगेगी। गरम मसाला हमें लगेगा 1/4 टेबल स्पून ही लगेगा। लाल मिर्च पाउडर हमें लगेगी 1/4 टेबल स्पून। नमक स्वाद अनुसार लगेगा हमें। और तेल लगेगा तलने के लिए पकौड़ियाँ। अब एक ग्राइंडर जार लेंगे, उसमें हम अपने चने की दाल लेके डाल देंगे। इसमें अदरक भी डाल देंगे कि अदरक हमारी अच्छे से इसमें पिस जाए। आप चाहें तो अदरक के बारीक टुकड़े या कस के भी डाल सकते हैं, मैं इसी के साथ पीस लूँगी। और नमक भी इसी स्टेज पे डाल देंगे। आप अपने हिसाब से स्वाद अनुसार ही नमक डालिए और बहुत ही थोड़ा सा पानी डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि हमें एकदम इसका गाढ़ा घोल चाहिए। और इसको अच्छे से पीस लेंगे। और अगर थोड़ा दरदरा ही हमें चाहिए, एकदम बारीक पेस्ट नहीं चाहिए, थोड़ा दरदरा ही इसको पीस लेंगे। अभी मैं दिखाती हूँ कि कैसा रहता है। ये देखिए, इसको पीस के हमने तैयार कर लिया है। ये देखिए, मैंने इसका घोल एकदम पतला नहीं रखा है, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा ही पानी डाला था। और बीच बीच में आपको इसको चला चला के अच्छे से मिक्सी में पीस लेना है, क्योंकि पानी हम कम डालते हैं तो आपको 1-2 बार खोल के चला चला के उसके बाद पीस लेना है। थोड़े बहुत अगर दाने रह जाएँ बड़े बड़े तो उसकी कोई टेंशन नहीं, उससे और अच्छा ही टेस्ट आता है। अब इसमें हम हल्दी पाउडर डाल देंगे, थोड़ा सा गरम मसाला डाल देंगे, बस थोड़ा सा ही डालना है हमें फ्लेवर के लिए। लाल मिर्च लेके डाल देंगे, अजवाइन लेके डाल देंगे, अजवाइन से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसमें। धनिया की पत्ती डाल देंगे, हरी मिर्चें डाल देंगे, प्याज लेके डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बहुत ही अच्छे से लेके मिक्स कर लेंगे। देखिए, तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है और ये पकौड़ी का मिश्रण, ये देखिए घोल ऐसा ही होना चाहिए कि हम हाथ में इसको ले सकें। ये देखिए ऐसा होना चाहिए। अब हम इसको एक एक करके छोड़ देंगे। जब हमें पकौड़ी डालनी रहती है तो तेल अच्छे से गर्म रहना चाहिए उस स्टेज पे। अब हम एक एक करके, आप चाहें तो स्पून से भी डाल सकते हैं, पकौड़ी का घोल डाल देंगे। ये देखिए, पकौड़ियाँ हमने डाल दी हैं। अब हम इसको अभी नहीं टच करेंगे, थोड़ी देर के बाद। अब हम इसको मीडियम फ्लेम कर देंगे, डालते वक्त तेज़ आंच रखिए, उसके बाद मीडियम फ्लेम कर दीजिए। और इसको अभी ज़्यादा टच नहीं करेंगे क्योंकि ब्रेक भी हो सकती है। थोड़ी देर के बाद जब हमें लगेगा थोड़ा थोड़ा नीचे से ब्राउन हो रहा है, तब हम इसको पलटेंगे। अब ये थोड़ा थोड़ा ब्राउन होने लगा है तो अब हम इसको हल्के हाथ से पलट देंगे अच्छे से, सारी पकौड़ियाँ लेके पलट देंगे अच्छे से। देखिए, पकौड़ियाँ हमारी दोनों तरफ से अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसको अच्छे से निकाल लेंगे और जब हमें एक प्लेट पे टिश्यू पेपर ज़रूर बिछा देना है कि जिससे सारा एक्सेस ऑयल निकल जाए, और पकौड़ियाँ अपनी निकाल लेंगे हम। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी चने की दाल की पकौड़ी बनके तैयार है। ये बहुत ही क्रिस्पी रहती है और बहुत ही टेस्टी। इसका टेस्ट एकदम सोंधा और बहुत ही करारी पकौड़ियाँ रहती हैं। एक बार आप बनाएंगे तो बार बार बनाएंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ आप वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करेगा, लाइक करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा। ओके, बाय।